जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज सोमवार के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवान भोलेनाथ की कथा। इनके कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति और मन में विश्वास बनाकर श्रवण करता है, उसकी समस्त मनोकामना उमापति शंकर भगवान पूर्ण करते हैं। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो आगे दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। अब आइए सुनिए कथा। बात उस समय की है जब हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते, न चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी जल और हवा की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्मा अर्थात सदा शिव की ही सत्ता मौजूद थी, जो आनंदी और सनातन कही जाती है। उन्हें भगवान शंकर के वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा महादेव कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट कर दिया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिस पर सृष्टि चलाने का महान भार सौंप कर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने बांग अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तुरंत एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी, उसमें सब गुणों का समावेश था। वह अति शांत तथा समुद्र की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। उस अनुपम पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, भगवान मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा, सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु कठोर तपस्या में मग्न हो गए। कठिन तपस्या से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, इससे सारा आकाश भर गया। आखिर उन्होंने थककर उसी जल में विश्राम किया। जल अर्थात नार में सोने के कारण श्री विष्णु का एक नाम नारायण पड़ा। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल खिला। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। शिव जी की माया से मोहित हो जाने के कारण कई दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपने को प्रकट कराने वाला पता नहीं चला। आकाशवाणी से तपस्या का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसके बाद उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि अस्तम्भ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि अस्तम्भ के आधी अंत का पता नहीं लगा सके। आखिरकार थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभो, हम आपके रूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर एकाएक प्रकट हो गए और बोले, सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तब परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया
और उन्हें संसार का दायित्व सौंप कर वही अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भगवान शिव का अर्ध नारेश्वर बनने की कथा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रचा गया बौद्धिक सृष्टि विस्तार ना पा सके तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि रचो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि रचने का निश्चय तो कर लिया, किंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निश्चय में सफल नहीं हो सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती, अतः वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण करते रहे। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्ध नारेश्वर रूप में दर्शन दिया। महादेव शिव के उस अनुपम रूप को देखकर ब्रह्मा जी चकित हो उठे और उन्होंने दंड की तरह भूमि पर लेटकर उस अलौकिक शक्ति को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, पुत्र ब्रह्मा, मैं तुम्हारा उद्देश्य जान गया हूँ। तुमने प्राणियों की वृद्धि के लिए जो कठिन तप किया है उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा को अलग कर दिया। उसके बाद परमेश्वर शिव के अर्धांग से अलग हुई उस पराशक्ति को सष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवाधिदेव शंभु ने मेरी रचना की थी। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अतः अब स्त्री पुरुष के समागम से मैं प्राणियों को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का उदय नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति से बाहर है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा शक्तियों की जननी हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ कि चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिव ने तथास्तु ऐसा ही होगा यह कहा और ब्रह्मा को उन्होंने नारी के कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भौ के मध्य भाग से अपने ही समान तेजस्विनी एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। अभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए त्रिविधान रूप से सृष्टि विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारक है। जैसे पुष्प में गंध, चंद्र में चंडिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव में इकार ही शक्ति है। शिव कूद अष्ट तत्व है और शक्ति परिणामी तत्व। शिव अनजन्मा आत्मा है और शक्ति जगत के नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता। यही अर्ध नारेश्वर शिव का रहस्य है। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियाँ थी, सभी पुत्रियाँ गुणवती थी, पर दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहता था उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। दक्ष एक ऐसी पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आधे ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं
पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलतः भगवती आधे ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बाल्यकाल में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय हुआ। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया, तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधे का अवतार है, आद्य आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यद्यपि भगवान शिव के दक्ष के जमाता थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। घटना इस प्रकार थी। एक बार ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र थे, भगवान शिव भी एक और बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब, वे तो समदर्शी है। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़ुवाहट और कलेशपन का क्या काम। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं, राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है, मेरे आराध्य है, सगुण भी है निर्गुण भी है, किंतु सती के कंठ के नीचे बात उतरी नहीं। वे सोचने लगी, अयोध्या के निप्रति दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वो तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में जन्मतों की भांति विचरण कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं को उनका पता पूछते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। सती सीता का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता आप एकाकी यहाँ वन में कहाँ घूम रही है? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? राम का प्रश्न सुनकर सती को कुछ उत्तर देते ना बना। वे अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थी राम पर संदेह किया। राम सचमुच आदि पुरुष के अवतार है। सती जब लौटकर कैलाश पर गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देखकर कहा, सती तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्य है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यधिक दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? शिव जी समाधित हो गए। सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूब उतरने लगी। उन्हीं दिनों सती के पिता कनखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में सभी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या थी।
सती को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ की रचना की है, तो उनका मन यज्ञ के समारोह में सम्मिलित होने के लिए बेचैन हो उठा। शिव जी समाधित थे। आता वे शिव जी से अनुमति लिए बिना ही वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर चली गई। कहीं कहीं सती के पिता गृह जाने की घटना का वर्णन एक दूसरे रूप में इस प्रकार मिलता है। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने यज्ञ की रचना की है। देवता और देवगणाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर भी मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर अवश्य मेरी बहनें आएंगी, उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ, यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा, आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वो आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता, भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। किंतु सती पिहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पिहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी कर दिया, उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु उनसे किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है, तुम्हारा पति शमशान वासी और भूतों का नायक है, वह तुम्हारे बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे, तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाले जा रहे थे। सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृ श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है, आपने उनका भाग क्यों नहीं दिया? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति कैलाश को देवता नहीं समझता, वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है, वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उसकी भौहें कुटिल हो गई, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजो दीप्त हो उठा। उन्होंने पीरा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ, मुझे धिक्कार है, देवताओं तुम्हें भी धिक्कार है, तुम भी उन कैलाश पति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो दक्ष मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नाश करने की शक्ति रखते हैं,
वो मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी के भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती की प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे, वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने जनमत की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि की प्राणी पुकारने लगे, त्राही माम त्राही माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलाने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे वे ही स्थान आज शक्ति पीठ के स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था शिव और सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। अब सुनिए, सती की किस भूल के कारण भोलेनाथ और सती का पति पत्नी के रूप में मिलन नहीं हुआ। भगवान शिव और सती माता पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए और उनके मुख से राम कथा सुनकर आत्मा विभोर हो उठे। कुछ दिन वहां रहने के बाद भगवान शिव और सती माता वापस कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की ओर जाते हुए भगवान शिव विचार कर रहे थे कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाए। तभी दंड कवन से गुजरते हुए उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। रावण माता सीता का हरण कर ले गया था। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटक रहे थे। भगवान शिव उनके दर्शन कर भाव विभोर हो गए। उचित समय न जानकर उन्होंने उन्हें अपने असली रूप से साक्षात्कार नहीं करवाया। माता सती के मन में भी श्री राम के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अगर ये सच में भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है तो अपनी पत्नी की खोज में दर दर क्यों भटक रहे हैं। भगवान शिव माता सती के अंतर मन में क्या चल रहा है जान गए। उन्होंने माता सती से कहा, देवी यदि आपके मन में प्रभु श्री राम को लेकर कोई संदेह है तो आप उनकी परीक्षा ले सकती हैं। माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम के समीप चली गई। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, माता आप वन में अकेले भगवान शिव कहाँ हैं? श्री राम के उनके वास्तविक स्वरूप जान उन्हें बड़ी आत्म गलानी हुई। वे वापस भगवान शिव के पास चल पड़ी। वे जिधर भी रुख करती उधर ही उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी एक साथ
खड़े हुए दिखाई देते और भगवान शिव जगत पिता ब्रह्मा इंद्र सप्त ऋषियों आदि को श्री राम की चरण वंदना करते देखती। श्री राम की रची माया को देखकर वे डर गई और सहम कर वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ समय उपरांत उन्होंने डरते डरते आंखें खोली तो सारी माया का अंत हो चुका था। वह पुनः भगवान शिव के पास पहुंची तो उन्होंने पूछ लिया, ले आई श्री राम की परीक्षा? माता सती ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सारी बात जान ली। उन्होंने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया, जिससे प्रेरित होकर सती के मुख से झूठ निकल गया था। सती ने सीता का ही वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि अब वे सती से प्रेम करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी को वो माता के समान मानते थे, परंतु वे सती से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग भी नहीं सकते थे। तब उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि अब पति पत्नी के रूप में उनका और सती का मिलन नहीं हो सकता, परंतु इस बारे में उन्होंने सती से प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं कहा। तत्पश्चात वो कैलाश लौट आए। परीक्षा ली भी तो क्या हुआ, इसमें भगवान श्री राम जी का दर्शन ही तो किया था। हाँ, परंतु भगवान ने युग को यह संदेश देने के लिए ही तो फिर सती माता के जीवन की कथा में मोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ एवं सती माता ने अपने जीवन पर इस कथा को घटाकर यही तो संदेश दिया है कि नारी का प्रथम धर्म है पतिव्रत धर्म का पालन करना, अपने पति देव की आधीनता एवं आज्ञा में रहना, अपने प्रथम वर्ष अपने सहज धर्म का पालन करना। इसे छोड़कर भगवान के भी दर्शन करने जाए तो वह भगवान को स्वीकार नहीं। सती माता ने वह शरीर त्यागा था फिर पार्वती बनकर अपने प्रियतम भगवान भूतनाथ की सेवा के अलावा कोई कामना नहीं रखी। राज महलों के ऐश्वर्य को ठुकरा दिया तथा अभाव में रहकर सदैव के लिए पार्वती जी भगवान की अर्धांगिनी बनकर फिर युग युगांतर तक अपने सहज धर्म का पालन करती रही। भगवान भोलेनाथ जी के पास चाहे संसार के कृत्रिम सुख सुविधाओं ऐश्वर्य का अभाव है, परंतु उनके पास प्रकृति रूप परमेश्वरी पार्वती जी सदा सदा निवास करती है। अब क्योंकि भगवान के पास भाव है, ब्रह्मा भाव है, सच्चा अच्छा और युग के अनुरूप प्रथम धर्म सहज धर्म के पालन का सहज भाव है, तभी तो भगवान भोलेनाथ भक्तों पर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भक्तों का कल्याण करना भगवान का सहज धर्म है। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। अगर आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में उमापति शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। धन्यवाद।